एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एडीएस और ओलिविया की पेन स्टिक का रिव्यू और कंपैरिजन। अगर आपको ओलिविया की पेन स्टिक का रिव्यू देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों को अप्लाई करके देखूँ फेस पे। तो मैं ये देखना चाहती थी कौन सी पेन स्टिक बेटर है या दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो एक साइड में करूंगी एडीएस की पेन स्टिक से मेकअप, एक साइड में अप्लाई करूंगी ओलिविया की पेन स्टिक, और हम देखेंगे कि दोनों में से किसने हमें फ्लॉलेस बेस दिया है और कौन सी पेन स्टिक थोड़ा कम, और कौन सी जो पेन स्टिक है वो इजीली आपकी स्किन पे ग्लाइड कर जाती है और फेक मेकअप लुक नहीं देती है। तो ये हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो मेरी स्किन है, मैंने उस पर भी कुछ भी अप्लाई किया, नो काजल, नो बेस मेकअप, कोई भी मैंने आईब्रो पेल कुछ नहीं करी, सिर्फ एक लिप बाम ऑन है। जो एडीएस की पेन स्टिक आती है वो 144 की आती है और ये 130 अराउंड है, मतलब ओलिविया और इसके बीच में 10 से 20 रुपीस का डिफरेंस है अगर आप ऑनलाइन देखें। सेकेंडली हम लोग दोनों की पैकेजिंग देखते हैं। दोनों स्टिक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, तो पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। जो ओलिविया की पेन स्टिक है वो ये क्लेम करती है कि ये वाटर प्रूफ है, एडीएस की पेन स्टिक में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो वाटर प्रूफ है। तो दोनों स्टिक में पैराबेन है, ये पैराबेन फ्री नहीं है। ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन की प्राइसिंग से लेके और इनकी पैकेजिंग से लेके, इनके इंग्रेडिएंट्स से लेके सब कुछ। अब हम लोग चलते हैं डेमो की तरफ कि किस तरह से आपकी स्किन पे काम करेगी। क्योंकि मेरे स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, लोटस वाइट ग्लो मॉइस्चराइजर। इसी भी बेस मेकअप करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने चाहिए, वरना जो आपका बेस मेकअप है वो खराब हो सकता है। किसी भी मेकअप को अप्लाई करने से पहले जो आपकी स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज होनी बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको 15 मिनट तक वेट करना है ताकि जो आपका मॉइस्चराइजर है वो अच्छे से आपकी स्किन पे सेट हो जाए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम फॉलो करेंगे प्राइमिंग का स्टेप। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर यूज कर सकते हैं। और प्राइमिंग करनी इसलिए जरूरी होती है ताकि जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं वो फिलअप हो जाए, और जब आप बेस मेकअप अप्लाई करें तो जो आपका बेस मेकअप है वो आपके पोर्स में सेट डाउन ना हो। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यूज करूंगी एडीएस की स्टिक अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पेन स्टिक जब भी आप यूज करें तो उसे पूरा ना अपनी स्किन पे ऐसे से करके पूरी स्किन पे मत लगाइए, वरना जो पेन स्टिक रहेगा बहुत ज्यादा केकी लगेगा। तो आपको स्मॉल स्मॉल डॉट्स या इस तरह से हल्के हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी पेन स्टिक अप्लाई करनी है ताकि जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस में ना आए, और जब आपको लगे कि आपका कोई भी जो पोर, आपका कोई भी ब्लेमिश दिख रहा है तो आप उस पर एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे हैंड की मदद से ही रब करूंगी। तो पेन स्टिक को आपको फैलाना पड़ता है, जैसे आप पेन स्टिक लगाएं वैसे उसे ब्लेंड कर लीजिए, अदरवाइज वो आपकी स्किन पे सेट हो जाएगा और एक तरह की कास्ट छोड़ देगा। तो मैं इससे अपने अंडर आई डार्क सर्कल्स भी कंसील कर रही हूँ। तो पेन स्टिक एज अ कंसीलर भी काम करता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा कंसीलर खरीदने की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप पेन स्टिक यूज कर रहे हैं तो। और जब मैं उसे ट्राई कर रही हूँ तो जो एडीएस वाला पेन स्टिक है, एक तो मेरी जो स्किन टोन पे बहुत अच्छे से, मेरी स्किन टोन से अच्छे से मैच कर रहा है और साथ साथ बहुत इजीली ग्लाइड भी हो जा रहा है। तो जब मैं एडीएस के कंसीलर से 2 से 3, जैसे मैं थर्ड लेयर पे जा रही हूँ, जब मैं ये पेन स्टिक लगा रही हूँ, जैसे ही मैं थर्ड लेयर इस पेन स्टिक का अप्लाई कर रही हूँ अपना कोई ब्लेमिशेस ढकने के लिए, तो ये हल्का सा केकी लग रहा है। जो मेरी पेन स्टिक का कलर है वो है 03। अगर आप मेरी स्किन टोन में है तो आप देख सकते हैं कि ये पेन स्टिक मेरी स्किन टोन के लिए एकदम प्रॉपर है, और ये येलो अंडरटोन में है। मेरे पास जो ओलिविया की पेन स्टिक है वो पिंक अंडरटोन में है, और देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती है। तो अभी मैंने इस एरिया में यूज कर ली है एडीएस की पेन स्टिक, और इसे लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। ऑल्दो जो मेरी स्किन है वो ऑयली है, बट उसके बाद भी अगर मैं 2 से 3 कोट लगा रही हूँ तो वो हल्का सा ड्राई हो जा रहा है। सिंगल कोट में ये एडीएस की स्टिक फाइन है, बट 2 से 3 बार में हल्की सी ड्राई हो जाती है।
तो अब हम लोग इस एरिया पे चलते हैं। इस एरिया पे मैं यूज करूंगी ओलिविया की पेन स्टिक। ओलिविया की पेन स्टिक, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं इसे अप्लाई करना शुरू करूंगी। ये पिंक अंडरटोन में आप देख सकते हैं। ओलिविया की लगाई है। अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या डिफरेंस समझ में आया है। मुझे मैं क्लियरली एक डिफरेंस नोटिस कर सकती हूँ, वो ये है कि जो ओलिविया की पेन स्टिक है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है और साथ में ही बहुत इजीली, बहुत ही मतलब मक्खन बटर टाइप आपकी स्किन पे ग्लाइड हो जाती है बिना किसी पैचनेस को छोड़े हुए। आप देख सकते हैं ये पार्ट मेरा कितना फिर भी नेचुरल लग रहा है और ये थोड़ा सा ड्राइंग हो गया है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और मुझे दोनों में से अभी तक ओलिविया बहुत अच्छी लग रही है, तो ओलिविया की पेन स्टिक अभी तक विन विन सिचुएशन में है। जल्दी से मैं अपना मेकअप कंप्लीट करती हूँ और उसको उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। एडियस था, इस साइड ओलिविया था। ओलिविया में आपने देखा कितना कितनी मॉइस्चराइजिंग तरीके से जो स्टिक थी वो आपकी स्किन पे इजीली ग्लाइड हो गई। ऑल दो जो ओलिविया का जो कलर था वो मेरी स्किन टोन का कलर नहीं था, वो काफी लाइट था और एक पिंक अंडरटोन में था, जो कि बस वो मेरी मिस्टेक है कि जो कलर है वो मेरी स्किन के लिए सही नहीं था, दैट्स इट। बट अगर मुझे दोनों को कंपेयर करके एक फाइनल वर्डिक्ट देना हो और आपको सजेस्ट करना हो कि आपको कौन सी स्टिक यूज करनी चाहिए, तो मैं आपसे डेफिनेटली बोलूंगी कि आप ओलिविया की स्टिक प्रेफर करिए अगर आपको दोनों स्टिक में कंफ्यूजन है तो। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू, डेमो और कंपैरिजन ओलिविया और एडियस की पेन स्टिक का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई और ऐसी रिक्वेस्ट है जिसमें हम कंपैरिजन और डेमो कर सकते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, यहाँ पे एक फोटो आएगी वहाँ पे क्लिक करिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।